नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश दाधीच। हम बात कर रहे हैं कि संतुष्टि के प्राप्त करने के लिए क्या काम करें। तो जैसा हमने देखा कि उसके लिए हमें अपना मन लगाना पड़ेगा। जब मन लगता है तो हमारा शरीर भी लगता है, हमारा समय भी लगता है, एनर्जी भी लगती है, और हम बाकी सब चीज़ों से दूर होकर जिस कार्य को करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन मन लगाने में दो समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि मन बड़ा चंचल है, जिसका अर्थ है कि मन एक जगह पर कुछ समय तक एक कार्य को कर सकते हैं, उसे ज़्यादा नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि हम सामान्यतः सबसे पहले प्राथमिकता उनको देते हैं जो कि हमारी प्रकृति की प्रदत्त हमारी विशेषता है, कि हमको सोना, खाना और मिथुन सेक्स, ये तीन काम की हमारी प्रायोरिटी होती है जो हर जीव जंतु की होती है। अब इसी का एक्सटेंशन है जो बहुत से काम हम करते हैं जो हम समझ नहीं पाते कि वो इन्हीं के एक्सटेंशन है। जैसे खाना, तो खाना हमारी आवश्यकता है। अब उसको हमने एक्सटेंड क्या किया, जीव तो उसमें और हमें अंतर क्या हुआ कि जीव जंतु के पास इतनी चेतना नहीं होती, तो वो तो जब खाने की भूख लगती तब खाता है। हम जानते हैं कि शेर के सामने आप चले जाओ और शेर को भूख नहीं लगी है तो वो आपको नहीं मारेगा। दूसरा कोई भी जीव हो, वो जब तक उसको भूख नहीं लगती वो किसी की हत्या नहीं करता या मारता नहीं, मार के क्योंकि उसका भोजन है उसको मारेगा। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जो कि उसको भूख ना लगे तो भी वो भोजन करना चाहता है, और इसके लिए उसने बहुत से, जिसे कह सकते हैं जिह्वा के स्वाद के लिए बहुत सी चीज़ें निर्मित की है और नई नई चीज़ें निर्मित होती रहती है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जो विकसित स्वरूप है वो है रेस्टोरों का। आप देखो रेस्टोरों में रोज़ नई प्रकार की चीज़ें आ जाती, रोज़ नए प्रकार के खाद्य पदार्थ आ जाते हैं। कभी किसी ज़माने में कैंपा कोला बना, पेप्सी बनी, कोको कोला बना, आप देखिए कितनी चीज़ें पीने के लिए बन गई। आज बहुत सारे, आज कॉफ़ी है, उसके कॉफ़ी हाउसेस बहुत सारे तरह के कॉफ़ी बनने लग गई, चाय बहुत सी तरह की बनती है, जूस बहुत सी तरह के मिलते हैं आपको। फिर आप भारत के संदर्भ में बात करें तो चाट पकौड़ी के 50 वेरिएशंस आपको मिल जाएंगे, डोसा है और बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप जानते हैं, और जिसमें हम रेस्टोरेंट में अलग अलग जगह जाते हैं और कहते हैं भैया आज इस रेस्टोरेंट में खाए, अब नए रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे क्योंकि अब नए रेस्टोरेंट में जाके टेस्ट करते हैं कि कैसा खाना मिलता है। और खाना जहाँ मिलेगा उसकी सराउंडिंग से एक अलग प्रकार की ऐसी बनाई जाएगी जिसमें कि खाने का स्वाद तो कम महत्वपूर्ण हो और जो सराउंडिंग हो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। उसके पैसे लेते हैं, होटल बड़ा होटल 5 स्टार 7 स्टार होगा तो उसमें जाने के पैसे होंगे कि वो एक सराउंडिंग बहुत अच्छी है, आपकी एम्बियंस बहुत अच्छा है, यहाँ पर जाने के पैसे हैं, चाय तो वैसी मिलेगी, चाय तो हो सकता है थड़ी पर बहुत अच्छी मिल जाए। तो ये सब क्या है, ये जो हमारे सुख सुविधा के साधन हैं जिसमें भोजन की बहुत सी वैरायटीज़ हैं जो अलग अलग संस्कृति से सामने बनकर आई है और संस्कृतियों के मिलान से और नए प्रकार के सामने आई है, वो हमारी मूल प्रवृत्ति खाने से संबंधित है। इसलिए ये कार्य आप करते हैं इसमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, इसमें संतुष्टि बहुत छोटी मिलेगी, इसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि जिस संतुष्टि की, सफलता की मैं बात कर रहा हूँ, जिस प्रसन्नता की, वो ये जो प्राकृतिक आवश्यकताएं हमारी है जो मनुष्य के शरीर के रूप में है, उससे बियॉन्ड जाने पर जो मिलता है वो है सफलता, भी वही होती है, सेटिस्फेक्शन भी वही होता है, प्रसन्नता भी वही होती है। ये जो सेटिस्फेक्शन मिलता है खाने में वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन खाना खाते ही सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाता है, वो सेटिस्फेक्शन भी नहीं है, वो हमारी आवश्यकता है, भूख खत्म होती खत्म। तो आप देखेंगे खाने की बहुत सी वैरायटीज़ हैं, खाने की जो व्यवस्था है उसकी बहुत सी वैरायटीज़ हैं जो हमको आकर्षित करती है, उसको आकर्षित बनाया जाता है। क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो जानते हैं कि ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, और इसलिए इसको जितना आकर्षित बनाएंगे उतना ही ये हमारी दुकान पर आएगा, ये हमारे रेस्टोरेंट में आएगा, हमारे होटल में आएगा। ऐसा ही सोना है। सोने का अर्थ क्या होता है? सोने का अर्थ यह है कि जब हम अपनी चेतना को बिल्कुल निस्तेज कर देते हैं, चेतना हमारी सुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है, बिल्कुल निश्चित हो जाती है, जो बनी रहती है, जिसमें चेतना सोई रहती है, चेतना को सोना होता है मुख्य रूप से, जिससे हम वापस एनर्जाइज हो सके। अब चेतना का सोने के, एक तो सोना जो हम सब लोग जानते हैं कि बहुत काम करें दिन में, फिजिकल वर्क करें तो सो जाएं। अब फिजिकल वर्क तो बहुत लोग करते नहीं हैं, जो मिडिल क्लास है वो नहीं करती, जो वाइट कॉलर जॉब वाले नहीं करते, तो और दूसरे लोग हैं जो दुखी हो जाते हैं, मन से दुखी हो तो भी नींद नहीं आती। तो नींद आ जाए, लोरी जिसे कहते हैं हम, उसके बहुत से वेरिएशंस आज दुनिया में आए। आप सुनिए कविताएं क्या होती है, आप कविता सुनिए, आप गाने सुनिए, आप फिल्में देखिए, ये सब क्या है, ये सब मनुष्य को सोने के तरीके हैं। तो मनुष्य सोए कैसे, मनुष्य की चेतना शांत कैसे हो, जो उद्वेलित मन है वो उद्वेलित मन समाप्त नियंत्रित कैसे हो। तो अच्छे अच्छे सिनेमा हम देखेंगे, भैया बोर हो गए सिनेमा देख के आते हैं, उसके पश्चात आराम से नींद आएगी। हम गाने अच्छे सुनते हैं शाम को, रात को सोते समय भी अच्छे अच्छे गाने सुनाएं, गज़ल सुनते हैं कि कोई कव्वाली सुनते हैं कि कोई भजन सुनते हैं,
जिससे हमको लौरी युक्त हो, जो कि हमें नींद को, हमारी चेतना को निस्तेज करते, चेतना को बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर लेकर आ जाए, जिससे हम नींद ले सके। तो सोने के भी, चूँकि सोना भी हमारी एक आवश्यकता है शरीर की, उसके बहुत से वेरिएशंस इस दुनिया में सामने आए जो मनुष्य को सोने में सहायता करते हैं। गेम्स से वो भी सोने में सहायता करते हैं। आप क्रिकेट मैच देखिए, वो मुख्य रूप से आपको सोने की सोने में मदद कर रहा है कि आपको नींद अच्छी आएगी। आप टीवी चैनल्स देखिए, वो सारे सीरियल्स, वो आपको नींद कैसे आ सकती है उसके तरीके हैं, इसलिए वो बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि वो हमारी मूलभूत आवश्यकता है। तो तीसरा सेक्स है, जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए बहुत से प्रकार के प्रसाधन बने हैं, जिसे हम जानते हैं कि हम सुंदर दिखें, हम अच्छे दिखें, हम हैंडसम दिखें, हम खूबसूरत दिखें, हम एक दूसरे को आकर्षित कर सकें। उसके बहुत से तरीके सामने आए हैं, हम पैसा दिखा सकें, हम शक्ति दिखा सकें, अपनी फेम दिखा सकें, जिससे कि दूसरे जीव अट्रैक्ट हो सकें, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की बहुत सी विधाएँ आज दुनिया में हैं। तो ये तीन बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ मूल रूप से, जो मनुष्य की प्रकृति से संबंधित हैं, जो जानवर में मनुष्य में समान है, सोना, खाना और मिथुन, इन तीनों के कार्य करने पर हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमारी सेटिस्फेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसे सफलता मिलती है अंत में, वो चेतना के स्तर का सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि है, शरीर के स्तर का नहीं है। ये ध्यान देने की बात है कि हम जब संतुष्टि की मैं बात कर रहा हूँ, संतुष्टि की बात की जाती है, तो शारीरिक संतुष्टि नहीं है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं चेतना के संतुष्टि की बात कर रहा हूँ, मन की, आत्मा की, मस्तिष्क की संतुष्टि हमारी होनी चाहिए, जिस संतुष्टि को दूसरे लोग भी, जिस संतुष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं।